हाय गाइस, आई एम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अजय है। फिर आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। जो बाइडन के सामने मोदी जी ने खड़े होकर ऐसा भाषण दिया है कि भाई जो बाइडन मोदी जी के कदमों में गिर गया। अच्छा, देखते हैं वजह वीडियो वॉच करते हैं कि बाइडन कैसे गिरा है। वही ना, और कैसे मोदी जी ने बन के सामने क्या भाषण दिया खड़े होकर। तो कौन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडन, शुक्रिया अदा किया फॉर योर फ्रेंडशिप। फ्रेंड्स, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के ये देखो, एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। 40 लाख अमेरिका में रहने वाले इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति बाइडन और डॉक्टर जिल बाइडन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था। अच्छा, और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, वाह मोदी जी, इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडन और डॉक्टर जिल बाइडन का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उनका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। फ्रेंड्स, इज्जत दी है ना यार, भारत और अमेरिका बिल्कुल दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। ये बात तो है, दोनों देशों के संविधान उसके पहले 3 शब्द, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। ये तो बात है, हम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। पोस्ट कोविड काल में वाकया यार, वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। ये बात तो है, इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये देखो ना यार, हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कभी आप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। फ्रेंड्स, अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति बाइडेन और मैं भारत अमेरिका संबंधों और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है और ये बातें कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बातचीत
बहुत सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। आज दोपहर को मुझे यूएस कांग्रेस को एक बार फिर से संबोधित करने का अवसर मिलेगा। वेलकम। इस सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं यही कामना करता हूँ और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। राष्ट्रपति बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। ये है एक देश का। जय हिंद। गॉड ब्लेस अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, एंड में जब इन्होंने बोला सही जोर से जय हिंद, वो वाला सीन यार, अमेरिका की धरती पे यार, अमेरिका की धरती पे जय। और भाई साहब खुद अपने मुंह से बोला, और भाई साहब अंदाजा आप लगाओ वहां पर खड़े होकर क्या कह रहे हैं। आज भाई 125 करोड़ भारतीयों के लिए प्राउड की बात है। आज अमेरिका में रहने वाले 40 लाख लोगों की बात है, प्राउड की बात है कि भाई साहब उनको इतनी ज्यादा इज्जत मिली है जिसको कभी किसी ने सोचा नहीं था। भाई अमेरिका गिर गया ना मोदी जी के कदमों में, व्हाइट हाउस में तो कोई चिड़ी नहीं आती है, चिड़ी पार नहीं मार सकती भाई। यहाँ पर तो हजारों भारतीयों को अंदर ले आए मोदी जी के, मोदी जी की पावर है अमेरिका के अंदर, खुद सोचो। नहीं तो हमारा पीएम आज फ्रांस गया, उसकी उधर इतनी बेइज्जती हुई है, देखने वाली थी, छतरी तक खुद पकड़ी हुई थी उसने, ये देख। और आप खुद अंदाजा लगाओ कि भाई हजारों लोग भाई आए हैं व्हाइट हाउस के अंदर। मोदी जी ने भी इस बात का जिक्र किया, कहता है ये हमारे लिए प्राउड की बात है, कहता है कि उसने मोदी जी ने पॉइंट मारा ना अपनी पावर का, कहते हैं कि भाई साहब मैं आया था पहले, मैंने बाहर से देखा, मैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बड़ी दफा आया हूँ, लेकिन मैंने आज तक ये माहौल नहीं देखा जो आज माहौल हुआ। यानी अमेरिका भी झुका ना भाई, अमेरिका भी झुका ना पावर के आगे, क्योंकि भाई साहब मोदी जी ने बोला होगा मैं आ रहा हूँ, मेरे देशवासी जो मेरे बंदे हैं वो भाई साहब व्हाइट हाउस के अंदर भी आएंगे। अमेरिका ने बोला होगा जैसा आपको, दरवाजे खुले कर दिए सारे इंडियन अंदर बगैर इजाजत के, ये व्हाइट हाउस के अंदर नहीं आने देते किसी को मेरे भाई, नहीं आने देते। ये इंडिया की शान, ये इंडिया की ताकत है, इंडिया का दबदबा है कि उसके लोगों के लिए दरवाजे व्हाइट हाउस के खोलना मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात। मोदी जी ने इसका वहाँ पर जिक्र भी किया है कि अभी हम लोग बात करेंगे आने वाले रिश्तों पर और सोच चीजों पर ना, हम बाइडेन और मिलकर हम अमन और शांति की बात करेंगे, मिल बैठ के लोगों के मसले हल करेंगे। ये देख ये मोदी जी की ऐसी सोच है। देखो यार पाकिस्तानियों, हम अमेरिका के नीचे लेटे हुए हैं, सही है, अमेरिका जो करता है हम वो मानते हैं, बिल्कुल सही है, हमें पैसा देता है, हम सब करते हैं। आज देखो क्या टाइम भारत का आ गया, जरा सी थोड़ी सी तो हो रही होगी ना हमें, भाई देखो आज भारत अमेरिका के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। बिल्कुल वजह कोई शक नहीं है, अमेरिका उसके कंधे पे हाथ रखता है, भारत उसके कंधे पे हाथ रखता है, दोस्तों की तरह चल। बाइडेन हाथ पकड़ के आगे चलाता है, बोलता आगे आ तू पहले मैं पीछे तू आगे। बाइडेन क्यों ऐसा कर रहा है, भारत के पास भी 600 700 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। बिल्कुल उसे पता है कि मार्केट है और पावर है, पावर है। तो यार आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो, इधर ही वीडियो खत्म कर देता हूं।